ये हम आज हलमस मीट के प्रोग्राम में आए हुए हैं। प्रोग्राम है शेट्टी अजमल सर फ्रॉम कैलिकट केरला। हलमस मीट 2022 डॉक्टर्स फ्रॉम यूपी। सबसे पहले हम अपने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल करें, उससे पहले हम अपने मन में सूरह फातिहा पढ़कर हकीम के डेर मंसर के वालिद के लिए आपने अपने वालिद की नसीहतों को आजमाया और आपके बीच में मौजूद हो गए। इंशाल्लाह उनकी रूह को खुशी महसूस हो रही होगी इस गुलाम और शगुफ्ता महकता हुआ देखकर, उनको इसका अजर जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं हकीम के डेर मंसर से दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर अदील शेख, हमारे मेहमान को स्टेज पर लाने की ज़हमत करें। हकीम के डेर मंसर एंड डॉक्टर अशफाक साहब, उसके बाद मैं ओनेस और अनवर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमारे जो चीफ गेस्ट के साथ साथ हमारे जो सरबरा हैं, हमारे जो सरपरस्त हैं, हमारे जो स्पेशल हैं आली जनाब इज्जत मां मौलाना काली रशीद साहब, उनको स्टेज पर लाएं। उसके बाद मैं अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीओ हैं, हमारे यंग ब्लड हैं और हमारे यंग ब्लड बाहर भी दिख रहे हैं माशाल्लाह, और ये यंग ब्लड की तरफ ही रुझान जा रहा है। हम अपने जो हमारी टीम के रंजीत साहब हैं और हमारे हम उनसे दरख्वास्त करेंगे अजामुद्दीन और साहब, उनको शॉल पहनाकर उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर जाहिद साहब बोर्ड मेंबर और डॉक्टर शकील साहब, डॉक्टर जाहिद साहब अगर नहीं और हमारे डॉक्टर जाहिद साहब जैसे अहम मौजू पर कुछ गुफ्तगू की जाए, कुछ सुना सुनाया जाए, जिससे कि इस फील्ड में
जो ये कंपनी हर बस अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, इसने क्या खिदमत अंजाम दी है और इससे किस तरीके से हम लोग इंसानियत को फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे डॉक्टर मुईद साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ तशरीफ फरमा है। तो इल्म में दिल के राजी ज़रा करो।
मेरा मोबाइल मुत्तकी है, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डाउनलोड एनीथिंग, आप खाने से लेके सोने से लेके हर चीज आप उसमें डाउनलोड कर सकते, खरीद सकते हैं, आपको इवन आजकल गूगल पे होने की वजह से आपको कार्ड भी क्रेडिट कार्ड भी कैश के हाथ में रखने की जरूरत है, क्यों? ये तरबियत है। अगर सपोज इसकी रेंज खत्म हो गया क्या करेंगे, इसको फेंक दें, ये फेंकने वाले आइटम हो गए हम लोग, कि कोई भी आपकी तकवे न होने के जिससे मुशाहिदा नहीं चाहता, एक पेशेंट के ऊपर आपको कोई चीज इंफॉर्मेशन मिल रही तो नेक्स्ट पेशेंट में आजमा नहीं पा रहे, दुनिया से बाहर जाके दुनिया को देखी तो उनको समझ में आती समथिंग इज हैपनिंग देयर, हमको भी यूनानी वालों से बॉक्स से बाहर उतरना जरूरी है, हम बॉक्स के अंदर किसी बॉक्स के अंदर बहुत सारे चीज डाल दिया, बॉक्स को हिला डाला तो अंदर वाले चीज आपस में बढ़े, तुझे आपने मुझे धक्का दिया, मैं तुमको धक्का दिया, इसलिए गिरा, तुम इसके ऊपर गिरा, ग्रेविटेशन ये सब, लेकिन कोई आदमी वो बॉक्स हिला रहे उनको उनका खबर नहीं, उनकी खबर सिर्फ बॉक्स के अंदर, फिर वो देखिए बॉक्स हिला रहे, वो बॉक्स दूसरे बॉक्स के अंदर, वो बॉक्स हिलने के लिए बॉक्स हिल रहा है, वो बॉक्स एक कंटेनर में, वो कंटेनर हिल रहे इसके बॉक्स से, वो कंटेनर एक ट्रेलर में जा रहा है, वो ट्रेलर जमीन पे, जमीन अलग घूम रहा है, गैलेक्सी कायनात अलग घूम रहा है, पूरी सुपरनोवा अलग घूम रहा है, हर जगह का अलग अलग साइंस चल रहा है, हमने एक साइंस बना के रखे बॉटल के अंदर क्या साइंस है, जब बॉटल से बाहर आता है, जब बॉटल के बाहर आते तो हमको समझ में आता है कि इसके बीच तो हमको चाहिए, यूनानी वालों को चाहिए, हमको हमारी तो हमको चाहिए कि हम बॉटल के बाहर आए, आउट ऑफ द बॉक्स आके जब सोचे आके, डोंट फॉलो एनीबडी, किसी को फॉलो मत करो, खुद की मुशाहिदा, खुद के तजुर्बा तुम्हारी साइंस है, ये जरूरी नहीं कि कहां लिखा है, दैट्स माय साइंस, दिस इज योर साइंस, ये इंडिविजुअल साइंस होना चाहिए, उसमें आप उठा के देखो, आउट ऑफ द बॉक्स चेक करो, कुरान में एक जिक्र अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज को ज़ौजेन बनाया, ज़ौजेन समझ में आएंगे आज की न्यू जनरेशन बच्ची को, मौलाना लोग या दूसरे लोग क्या बोलेंगे, ज़ौजेन का मतलब ज़ौजा मतलब मेल और फीमेल, उसके आगे नहीं जाता है, ज़ौजेन का मतलब क्या, हर चीज को अल्लाह ताला ने जुड़वा बनाया, कंप्यूटर की जो स्टडी की गई किसी ने, कंप्यूटर कैसे चलता है, कंप्यूटर की स्टडी इतना बड़ा कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, जीरो एंड वन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बाइनरी, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ की एक दो ही हिकमत से कंप्यूटर हमारे दिमाग में चलते, ये दो मुख्तसर फिलोसफी, ये मुख्तसर साइंस, ऑन एंड ऑफ, एक ट्रांजिस्टर ऑन एंड ऑफ, जीरो वन वन जीरो, तीसरा चौथा पांच कुछ नहीं, दो चीज से पूरी कंप्यूटर चल रहा है, अल्लाह ताला ने दो चीज से पूरी दुनिया, पूरी कायनात क्या, पूरी यूनिवर्स, आजकल मल्टीवर्स भी कहने लगा, पूरी मल्टीवर्स को चला रहे ज़ौजेन की प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल यूनानी में भी, वो यूनानी की प्रिंसिपल क्या है, हॉटल कोट, एक हकीम कितना भी जानकारी रखते बस इसकी बीमारी की वजह गर्मी है, तो बस इसको साबित करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, दुनिया एक्सप्लेनेशन चाहे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेनेशन साइंस नाम का, हम लोग सुने एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आता सिम्टम्स, सबक नहीं आता एक्सप्लेनेशन, मैं एक एक्सप्लेनेशन है दुनिया का, आप लोग एक एक दुनिया हर चीज एक एक्सप्लेनेशन, ये दिस आर अलामत है, इसके पीछे एक सबब है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन दुनिया की कोई भी चीज आप सफर कर रहे देख रहे आदमी को देख रहे चलते फिरते पकड़ो, अगर गर्मी की इश्यू हो तो सर्दी से इलाज करो ना, अब उसमें आपको साइंस की क्या जरूरत पड़ेगी, अगर आदमी ठंडक से परेशान है गर्मी से, कोई खुशकी से परेशान है तो तरतीब
कोई तरतीब से अगर परेशान है उसको ये पूछ सकता हूँ, या आप इस दफा पूछ सकते आगे आपको किसको चाहिए एक्सप्लेनेशन, जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए सॉरी हम एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं बैठे, आप सबक के पीछे बढ़ो। एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए, अलामत भी चाहिए तो अलामत के लिए आपको ये सब चीज ढूंढने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं कि जितने कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर की लैंग्वेज उठा के देखो हार या बारिश, उसको तुम जीरो पकड़ो बारिश को या हरारत को एक पकड़ो, कुछ भी आपके हिसाब से। इसके अलावा वो अल्फाबेट ब्रेल कंप्यूटर की कोई भी ट्रांसलेटर को 010 को कन्वर्ट करके ऑडिबल विजुअल सब चीज में कन्वर्ट, तुम भी यूनानी के हर डाटा को हरारत को बरूदत को कन्वर्ट करके दुनिया की जवाब पे पेश करो। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यू नीड एक्सप्लेनेशन। दुनिया में हर चीज का एक्सप्लेनेशन मिला क्यों दे रहे हो, जरूरत नहीं। इतना तो एक एहसास से बढ़ते ही तो रखो आई डोंट वांट टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, मैं मुजरिम थोड़ी हूं, मैं हर चीज को आपको एक्सप्लेनेशन आई नो व्हाट इज एग्जैक्टली। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या आज के दौर में, आज की कंटेम्पररी वर्ल्ड में अगर आप इफ यू वांट टू बिकम एक रियल हकीम बनना चाह रहे हो तो आप इन टर्म्स ऑफ कैफियत के लिए जानकारी भी आप देखिए सर आप कैफियत को जरा एक्सप्लेन करो। ये जाउजेन को मैं आपको कंप्यूटर की जबान छोड़ के टिप की जबान में सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें कहा हॉट एंड कोल्ड पकड़े कंप्यूटर की लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल सीवीएस हॉट बीमारी सीबीएस पर पालपिटेशन कफ का निहार, बस एक मिसाल दे रहा हूं, मैं तफसील में नहीं जा रहा इसका। आप आंवला इस्तेमाल के लिए जरूरी है आंवले की कोई भी कंटेंट हो लेकिन उसका सब मिजाज जैसे जवाब, किसी को कोई सीरियस में कोल्ड डिजीज होगा ब्रेडिकारी मरजान यानी सर्द खुश्क दवा से इलाज करें, वहां आप गर्म कर दवा से इलाज करें। यहाँ भी दो ही चीज इस्तेमाल करें, नुस्खा कुछ भी इस्तेमाल करो खमेरा कुछ भी इस्तेमाल। माइक्रोसिनोसिस क्या है, सुकरना ये बूस्क के तरफ के तरीक मे बी द रीजन मे बी रोमांटिक फीवर हो सकते हैं या माइक्रोकार्डाइटिस हो सकते कुछ भी हो सकते हैं, नॉट फ्रेंड टू दैट एस्पेक्ट। खुश्की की गलबा है तरीकोस नॉन एरोबिक एक्सपेक्ट तरी की एक्सेस कैसे फॉर एग्जाम्पल, तो वो चीज उसको मालूम करने से आपको समझ में आएगा। अमराज़े यबूसी ये सब हार्ट कॉर्डुलर डिजीज स्टेनोसिस गरम तर दवा गाल्ज़ोबार दही ये चीज, और दूसरी चीज सफरावी और सौदावी लोग को ज्यादा बीमारी होते हैं, अगेन दो आ रहे हैं सफरावी गरम सॉरी सफरावी खुश अगेन सौदावी दोनों में खुश के वहां फिर कंप्यूटर आ रहे हैं। तुम बोलेंगे सफरावी और सौदावी दो एंटिटी, सफरावी और सौदावी में एक चीज कॉमन है खुश्की, उस खुश्की की वजह से रोमांटिक हार्ट डिजीज सबको नहीं होता, इवन रोमांटिक डिजीज भी आपके जो ISO RFM बनने के बावजूद भी सबको प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम और डीपली बोल सकते हैं मोर साइंटिफिकली दिस पीपल आर मोर प्रोन टू MSM या मैट्रिक्स, क्यों मॉडर्न मेडिसिन जवाब नहीं है सबको क्यों नहीं होता। अगर सवाल पूछिए सबको फिब्रिल कन्वेंशन, सब बच्चे को फिब्रिल कन्वेंशन क्यों होता है नहीं बोल सकते, सबको एलर्जी क्यों नहीं हो रहा फूड पॉइजनिंग नहीं बोल, हम बोल सकते हैं ये हार है ये सफरा भी इसको फूड पॉइजनिंग हो सकते हैं वो भी ठीक है इसको नहीं हो सकते, क्यों हम दो लेके चल हम दो लेके चल। अब आप देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द ईयर हेयर के बारे में यहाँ भी आप प्रिंसिपल इस्तेमाल करो कंप्यूटर प्रिंसिपल 1-2 प्रिंसिपल, अभी इवन आर्मस का हो या जो भी कंपनी के दवा लिखते हैं ये प्रोडक्ट दिस एयर ऑयल इज गुड फॉर एयर फॉल एंड एयर ग्रोथ एयर फॉल एंड एयर ग्रोथ। खाली सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉलेज नहीं नॉइंग की बात है बस, मैं व्हाट इज द डिफरेंस नॉलेज एंड नॉइंग, आपको नॉलेज है हाँ भाई ये बात के लिए अच्छे है, व्हाट अबाउट योर नॉइंग पार्ट जीरो है। एक दवा जो बाल को उगाने के लिए जो कैफियत काम अंजाम दे रहे वो फैलने की खोलने की मुफत्तिह मुफत्ति फतह खोलने वाली एक कैफियत चाहिए, इसके लिए बाल उगाने की बाल को गिरने को रोकने के लिए सर्द खुश कैफियत चाहिए, यानी एक ही दवा बाल उगाता भी नहीं एयरफॉल को रोकता नहीं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल गर्म है मुहम्मिर है बाल को उगाने में बाल गिरने से नहीं, बाल गिरने के लिए सर्द खुश जिसमें आंवला हो
दो चीज से आप उसको डिफरेंशिएट बाल तो अभी आप फिटकरी का पानी भी थोड़ा गोल के पानी दो का दो दिन में तीन दिन में आपका बाल कितना बंद हो जाएगा जब तक आपके अंदर आप इस काफी ससरात को या सुपारी की पानी से आप दो के दिन कोई भी सर दुख जैसे शरीफा अपने शरीफा उसको सीतापन जो सीतापन के पत्ते बॉयल करके हाथ मतलब पानी से सर दो के दिन दो दिन में या एक दिन में आपका बाल कितना आपकी स्किन के अंदर आबिस काबिस मुजफ्फिन एस्ट्रिजेंट इफेक्ट दिया बाल कितना बंद हो लेकिन वो चीज आपकी बाल उगाने में काम है यहाँ की जौजे का काम यहाँ भी जौजेत का काम करता है नियत और वो जो विजन है वो विजन और अल्लाह के जो मेन एक फीचर्स के अंदर क्या थे कि मैंने जब 89 मेरी बायोग्राफी आपको थोड़ा सा इसलिए कर रहा और नहीं करूँगा आपको कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला जब मैं 86 में एडमिशन लिया पुणे में बीएससी जूलॉजी होने के बाद प्रीति में एडमिशन लिया एक साइंस में एक्सेप्टेंस था तो मैंने सिर्फ मंदिर पर भरोसा कर लिया 86, 87, 89 से मैंने स्टार्ट किया थोड़ा बहुत तकवा थोड़ा बहुत शुरू हो गया मैंने एक प्रोडक्ट जो मैक्सिल तरंजुआ एक चीज पर मुझे इतना इतमान हो गया इसका आप फिर मैंने उसको धीरे धीरे स्टार्ट किया तो जब मैं 89 में पढ़ता तो मेरी फ्लैट थे बाड़े का फ्लैट था उसको मैं लिख के रखा था हरमस एक नाम से भाई था मैंने एक नीयत रखी हरमस तो किसी ने पूछा हरमस क्या पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम है वो कुछ किताबों में शायद सब चले गए कुछ किताबों में लिखा है कि अकीम अव्वल माना जाता है कुछ लोग जो सबसे पहले कपड़ा मतलब पहने या लिखने की जो फंड सबसे पहले हरमस यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दुनिया को पेश किया ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर गॉडनेस मतलब बहुत सारे मायने उसके अंदर एक मायने चोर का भी है लेकिन असल वो एक मेथोडोलॉजी के अंदर बहुत सारे तफसील दिया गया कि व्हाट इज एग्जैक्टली हरमस तो हरमस का वजूद कैसे है कि मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे अंदर की अलीगढ़ की दरवाज कैलीकट जैसी जगह पे कोई व्यवस्था करते हैं सफल व्यवस्था करते हैं कोई एजेंसी नहीं खोल रहा मजबूर हो कि मुझे दवा बनाना पड़ा बनते 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 बाद में दवा एक मुझे खुद नहीं मालूम 400-450 प्रोडक्ट का फिर वो 1992 के बाद में मैंने कंपनी फॉर्म किया उसको रजिस्टर किया धीरे धीरे प्रोडक्ट की बेच मुझे ये आया कि ठीक है कुछ लोग पढ़ने को आने लगा सर हमारे आप जो दवा लिखे हमको भी चाहिए तो धीरे धीरे मैंने दवा सप्लाई करना शुरू किया लेकिन एक चीज मैंने साथ लेके चले थोड़ा कुछ हमारे यूनानी हरमस में बट इज डिफरेंट विद अदर कंपनी कुछ कंपनी है लेकिन सब कंपनी का नहीं बात नहीं करते लेकिन एक मैं एक डिफर होना चाह रहा समथिंग डिफरेंट है तो उसने हमने दो तीन चीज स्टार्ट किए नंबर वन ये था कि जो पुरानी जो कंपनी जितने भी सब ट्रेडिशनल हकीम के पीछे भागे ट्रेडिशनल हकीम को सपोर्ट किए क्योंकि वही लिखता था व्योमस डॉक्टर अमाजिन अर्थ वर्मा के अलावा कोई चीज को मान भी नहीं क्योंकि वो सेक्स की गोली या सेक्स की मार्जिन मॉडल भी नहीं तो ज्यादातर व्योमस डॉक्टर यूनानी लिखता ही नहीं ये नहीं हो हमारी कम्युनिटी सबसे ज्यादा और वो जो मुल्ला मौलाना जो हकीम लोग जो लिखते थे उनकी कम्युनिटी एक्सटिंक्ट होते 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 जा रहे वो लिविंग फॉसिल हो गए बचा कुचा कुछ हकीम आ रहा पता है बाकी कुछ सब खत्म हो रहा है मतलब ये काउम में या ये प्लेटफॉर्म में अगर अपनी यूनानी को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे यूनानी खत्म हो जाएगी तो मैंने उस तरफ गया ही नहीं मैं उस तरफ गया ही नहीं तो मैंने क्या किया कि मैंने हरमस अकेडमी स्टार्ट किया उसने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जो मैं खुद परेशान था जिस फील्ड में कुछ परेशानी दूर होने के लिए मेरी परेशानी मुझे जानता हूँ हर हकीम को क्या परेशानी उसको मैंने स्टार्ट किया फिर यहाँ लखनऊ में गलती हुई थी अच्छे बेहतरीन कोई भी प्रसन्न रहते उन लोग का ही कभी 100 के ऊपर भी जाते बाकायदा मेरे रिलीजियस भी वो सुबह का लेक्चर अटेंड करने जो कोई भी काम कर जाते उगर माई भी कोई भी मसरूफियत नहीं वो लेक्चर देता है तो वो एक शुरू से मुझे मालूम पड़ा कि बच्चे लोग के अंदर हम सब एक आध प्रोडक्ट तो लिख कर तो हरमस लिखे अदर्स लिखे वेबिनर लिखे वेस्ट लिखे कोई भी कर लेकिन लिखे कोई भी तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा तो धीरे धीरे फिर मैं सोचा कि और काम प्रॉब्लम है अभी चला हमने थोड़ा सा तहरीक दे दिया इस पे व्यूमस वाला अब सब पूछने लगे सर हम भोपाल में कब आ रहे हैं हम कच्चा इधर कैसी प्रॉब्लम तो हर जगह में एक वेब स्टार्ट फिर हमने सोचा कि जीपी में जब तक यूनानी
परफेक्ट नहीं होगा, हम यूनानी को बगैर हम दवा नहीं सकते। बुखार है भाग्य, दर्द आ गया भाग्य, फिर हम पुराने हकीम लोग क्रॉनिक डिजीज का इलाज करना। तो मैंने क्या सोचा, एक फुल रेंज ऑफ जीपी प्रोडक्ट मार्केट में ताकि जल्दी जल्दी रिजल्ट, तो एक धर्मस का एक अचीवमेंट। बाद में हमने सोचा कि ये पीडियाट्रिक, जबकि इतना बेहतरीन मैनेजमेंट पीडियाट्रिक में, सिर्फ हमारे पास एक जहन रुकी है, एक रेन वाटर है और एक लाते है, जबकि हर आदमी ये चाहते कि मेरे बच्चे कम से कम एंटीबायोटिक एंटीस्टामिन इस्तेमाल करें। तो मैंने तब को गया कि उस फील्ड अभी कोई आएगी क्या आपको इस प्रोग्राम में क्या नया लगा? बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा माशाल्लाह, और बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। यूपी में जो जिस लेवल से ये प्रोग्राम हुआ है, इस लेवल का प्रोग्राम मैंने तो यूनानी का कोई आज तक नहीं देखा है माशाल्लाह से। मतलब यहाँ आपको क्या चीज़ अलग लगी? यहाँ पर जो है दरअसल जो यूनानी को मोटिवेट, एक तो मोटिवेशन यहाँ पर लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा देखा, एक जो लोगों के अंदर जो आपने जैसे सफरा भरने की बात कही, जुनून भरने की जो बात करी, तो वैसा मैंने आज तक किसी प्रोग्राम में माशाल्लाह नहीं देखा। अजमल सर के बहुत से प्रोग्राम आपने मतलब अटेंड किए आपने, लेकिन आपको जो यहाँ एहसास हुआ है वो कुछ अलग थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डिफरेंट था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए, और इंशाल्लाह हम लोगों का एक निज़ाम ये है कि हम लोग ऐसे प्रोग्राम इंशाल्लाह और अच्छे अंदाज से करेंगे, और हम भी इंशाल्लाह देवबंद में करेंगे। हाँ, आपको भी वहाँ आना होगा इंशाल्लाह। तो हम लोग अपने घर आ चुके हैं, पूरा हमारा जो एक प्रोग्राम हुआ वो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और जनाब कमरुज़्ज़मान साहब आपसे कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा लगा आपको प्रोग्राम, कुछ बताइए प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? सबसे अच्छी बात तो ये लगी, डिसिप्लिन और
तहजीब के दायरे में जितनी भी बात हुई उसमें सब बहुत अच्छा लगा और हॉल भी बहुत अच्छा था। केटी अजमल साहब के सारे बारे में, केटी अजमल साहब के बारे में तो भाई दूसरा वली आदमी है, दूसरे नंबर का। और तकबुर गरूर घमंड तो बिल्कुल उनके अंदर है ही नहीं, और लोगों को भी उन्होंने यही समझाया आप हकीम जब बनोगे जब तकबुर गरूर बिल्कुल खत्म कर दोगे, और यही हिकमत है। बिल्कुल उन्होंने कहा हिकमत इल्म से काम लो, और वो सब यही है, दूसरों को समझाना अच्छे से, उनकी दिल जो ही करना, आधा ठीक तो मरीज वैसे हो जाए, जब अच्छी बात उसे बताऊंगे उससे हंस के बात। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात कमरुज़्ज़मान साहब ने यहाँ पर बोली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारा हरमस मीट 2022 का ब्लॉग पूरा पसंद आएगा।